नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रकाश है, स्वागत है आपका अपने पूर्वांचल सोलर चैनल में। मैं बहुत अच्छा हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस कोरोना काल में। कोशिश करें स्वस्थ रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं आप उन लोगों के लिए जो कि दो बैटरी में यानी कि 24 वोल्ट के सेटअप पे चाहते मैक्सिमम लोड हम दे सके। तो उसके लिए दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया हुआ है, सोचा क्यों आपसे शेयर करें। मैं एक दो वीडियोस का बना चुका हूं, बट आज मैं उस सिस्टम को स्पेशली 1x1 बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों कि उसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या चला सकते हैं और सिर्फ 24 वोल्ट में ही हम एक अच्छा खासा लोड उस पर दे सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, ताकि सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर समझ में आए दोस्तों। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बेकार होता है। तो शुरू करें दोस्तों। जी हाँ, देखिए मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं जो लोग कहते हैं कि सर आप 24 वोल्ट में यानी कि वो लोड तो ज़्यादा देना चाहते हैं, लोड ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं सोलर से, बट वो बैटरी का जो एक्सपेंसेस है उसको बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं करना चाहते दोस्तों। तो उस कंडीशन में मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वारी ने एक नया अपना PWM इन्वर्टर लॉन्च किया है जो कि पहले 2250 VA का आता था दोस्तों, लेकिन अब उन्होंने इसको एक्सपेंड करके इसकी कैपेसिटी जो है वो 2750 VA की कर दी है और जस्ट ओनली दो बैटरी के खर्चे में आपका 2750 VA तक का लोड यानी कि 2750 VA मल्टीप्लाई बाई 0.8 करेंगे तो जो भी निकलेगा दोस्तों आंसर वो होगा आपका वाट, यानी दोस्तों 2 किलोवाट का लोड आप बहुत ही आराम से उस पर दे सकते हैं और बहुत ही प्यार से वो सिस्टम चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, ये है वो इन्वर्टर जो कि आपको 2750 VA का पावर प्रोवाइड करता है, यानी कि सिर्फ 12 वोल्ट की दो बैटरी लगाई है दोस्तों। और ये सेटअप दो जगह ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और चूंकि PWM है तो IPPT की तरह तो परफॉर्मेंस नहीं है बट बहुत बेस्ट है, एक लो बजट में बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो दोस्तों इस सिस्टम को डिजाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस सिस्टम पे दोस्तों हमें करना क्या होता है, आजकल आपको पता है मोनो और पॉली और बायफेसियल पैनल ऑलरेडी आ चुके हैं और काफी लोगों का रुझान मैं देख रहा हूँ वो मोनो पैनल्स पे आ रहा है, मोनो पर्क पैनल पे, और अच्छा भी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है दोस्तों। जो लास्ट सिस्टम इंस्टॉल किया था हांटा कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में UP उत्तर प्रदेश, वहां पे मोनो पर्क मैंने पैनल लगाया और वहाँ पे बिजली नहीं है दोस्तों, अब वो सिस्टम बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है इवन इस मौसम में भी, जो पिछले अगर हम देखें तो 10 दिनों में काफ़ी 2-4 दिन बारिश अच्छी खासी हुई और धूप ना के बराबर था, बट उस पर भी उसका परफॉर्मेंस जो था बहुत ही अच्छा था। हालांकि वहाँ पे लोड तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट ओके है, जितना था उतना बहुत ही अच्छा है, कस्टमर खुश है, ये सबसे अच्छी बात होती है कि जिनके वहाँ लगा है अगर वो खुश है, वो सेटिस्फाई है, देन ऑल इज गुड। तो दोस्तों ये इन्वर्टर है 2750 VA का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट में है, PWM है ये। इसको हमें करना क्या होता है, इस पर आप नॉर्मली अभी आपको पता होगा दोस्तों मोनो पर्क जो पैनल आ रहा है वारी का या फिर और भी कंपनियाँ हैं, तो अभी 395 वाट का एक पैनल आ रहा है, पहले 380 था, फिर अभी कंपनी वालों ने इसे 395 का कर दिया है, तो 395 वाट का पैनल। तो दोस्तों इस पे आप लोग आराम से मोनो पर 395 वाट का 6 पैनल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और एक अच्छा खासा यानी कि यूं कह लो आप कि एक अगर हम AC को हटा दें तो ऑलमोस्ट सब कुछ इससे चल जाएगा बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और ये ऑलरेडी टेस्टेड है और यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमें इस पर अपने अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको 3 पैनल से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। आप जस्ट 395 वाट के मोनो पर्क पैनल 3 पैनल लगाइए और इसको कनेक्ट करिए और 2 बैटरी लगा दीजिए आप और इसको आराम से यूज़ करिए। इनकेस अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा लोड ज़्यादा है और मुझे पैनल बढ़ाने चाहिए तो इस पर आप 3 पैनल और बढ़ा सकते हो दोस्तों, यानी कि टोटल 6 पैनल आप बहुत ही प्यार से इस पर ऐड कर सकते हो। तो यानी कि 6 के 6 पैनल को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, सारे पैनल्स के प्लस को एक साथ, माइनस को एक साथ, और सीधे उसको लाके आपके इन्वर्टर के पीछे जो सॉकेट बना हुआ है वहाँ पे प्लस और माइनस को कनेक्ट करना है। और बैटरी सिर्फ 2 बैटरी, चूँकि 24 वोल्ट का है तो सिर्फ आपको इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, रन कराने के लिए सिर्फ आपको 2 बैटरी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो 12 वोल्ट की 2 बैटरी आप ऐड करिए और बेधड़क 2-2.5 किलोवाट तक का लोड आराम से आप इस पर, हम एक नॉर्मल घर में देखें तो ये बहुत ही सफिशियंट है। बाकी अभी किसी कंपनी ने इतना 24 वोल्ट में इतना ज़्यादा VA का इन्वर्टर नहीं निकाला, आई थिंक एप्रो देती है 2200 VA का,
24 वोल्ट में, बट अगर जिस किसी कस्टमर को VA की ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, तो वो आराम से इसको 2750 VA का इन्वर्टर है ले सकते हैं। बाकी आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा मैं रेडी रहता हूँ दोस्तों, अक्रॉस द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी अगर आपको कोई सिस्टम लगाना हो प्लीज़ संपर्क करें, एक परफेक्ट सिस्टम आपके वहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और हाँ डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आता है, आप इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। बट उम्मीद करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मैं मेरे जो वीडियोस होते हैं बहुत ही जेन्युइन और यूज़ किया हुआ वेरीफाइड होते हैं। मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूं, सिस्टम लगा चुका हूं, कस्टमर से फीडबैक मिल चुका है मुझे, तब मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ताकि मुझे कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो ये बात बताने में कि हाँ ये 2 या 2.5 किलोवाट तक का लोड ले लेता है और मोनो पर्क के साथ इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। तो आप अगर इसे 6 पैनल मोनो के साथ 2 बैटरी के साथ इसे यूज़ करना चाहते हो बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो दोस्तों, और स्टार्टअप आप कर सकते हो 3 पैनल के साथ 2 बैटरी के साथ। अब बाद में अगर आपका बजट अलाउ करता है या आपको लगता है कि मुझे सिस्टम ज़्यादा लोड देना है इस पे, तो आप 2 बैटरी और ऐड कर सकते हो इसमें और 3 पैनल और ऐड कर सकते हो, तो फाइनली आपका 4 बैटरी और 6 पैनल मोनो पर्क के साथ ये आपका 2750 VA का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएगा, जो कि आपके घर के लिए AC को ना यूज करें तो बाकी सब कुछ बहुत आराम से चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, अगर आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकन को हिट कर दें, और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।